this audio contains explanation of the topic competencies of an entrepreneur from chapter number 2 an entrepreneur from class 11 entrepreneurship subject okay what is the meaning of competencies competencies of an entrepreneur so in your previous class you have studied about the different types of entrepreneurs on different different basis

पहचान सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं इवेल्यूएट कर सकते हैं और जो बिहेवियर्स हैं उसे डेवलप करा सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर तो जो भी एंटरप्रेनर है वो एंटरप्रेनर एंट्रप्रेनर की उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है या नहीं है उन सबको स्टडी करने के लिए हमें कंपन जो कंपिटेंसी है उसके जो डिफाइंड बिहेवियर है उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी होती है सो द एंट्रप्रिनर एंट्रप्रीन्यूरल कम्पिटेंसीज कैन बी क्लासीफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज तो जो एंट्रप्रीनल कम्पिटेंसीज है हमने उसे फॉलोइंग में क्लासीफाई कर रखा है तो फर्स्ट टाइप ऑफ कम्पिटेंसीज हियर इज एंट्रेप्रीन्यूरल कम्पिटेंसीज ठीक है सबसे पहली इसमें जो आती है वो एंट्रप्रीनल कंपिटेंसीज आती है कि दीज आर सर्टीन बेसिक कम्पिटेंसीज टू बी एक्वाय बाई एन एंट्रप्रिनर कि ये जो कम्पिटेंसीज़ हैं वो किसी एंटरप्रेनर को सबसे पहले बेसिक यही है कि आनी ज़रूरी होती है ऐसे ही एंट्रप्रेनर को समझने के लिए तो वो सेट ज़रूरी है लेकिन एक एंटरप्रेनर एक पर्सन को समझ सके कि क्या मैं अपना जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो यूटिलाइज़ कर लेगा या नहीं तो उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं तो सबसे पहली जो एंटरप्रेनर कम्पिटेंसीज आती है वो आती है ये बेसिक कम्पिटेंसी है जो किसी भी एंटरप्रेनर के पास होनी चाहिए सो दे रिलेट टू द टाइप ऑफ बिहेवियर एग्जिबिटिड इन द परफॉर्मिंग ऑफ वेरियस टास्क इन द डिस्चार्ज ऑफिस फंक्शंस तो वो क्या करते हैं रिलेट करते हैं कि किस तरीके का बिहेवियर वो शो करेगा ठीक है जब हम उसे क्या करते हैं बहुत सारे फंक्शन वो करेगा या उसे कोई भी काम दिया जाएगा तो वो किस तरीके से बिहेवियर एग्जिबिट करता है तो ये उस चीज़ को रिलेट कर लेते हैं सम ऑफ these competencies आर लेटेंट इन द entrepreneur which need नीड टू बी nursed and एंड नर्चर इनमें से जो कुछ कंपिटेंसीज होती है वो लेटेंट होती है यानी हिडन लेटेंट का मतलब होता है हिडन छिपी हुई होती है एंटरप्रिनर के अंदर और इसलिए हमें उन्हें पहचानना जरूरी है हम उन्हें पाल सकें और नर्चर कर सकें फला फुला सकें अदर्स आर एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस और दूसरी हम क्या कहते हैं उनको हम ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से एक्वायर कर सकते हैं तो एंटरप्रेनर कम्पिटेंसी ये होती है देन सेकेंड इज कि इनिशिएटिव कम्पिटेंसी क्या है यहाँ पे कि वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कम्पिटेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर द एंटरप्रेनर इज द एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव। कि अगर उसमें शुरुआत करने की क्षमता हो तो ये सबसे महत्वपूर्ण कंपिटेंसी आती है इट इज़ रेदर द फर्स्ट स्टेप इन द एंटरप्राइज और किसी भी एंटरप्राइज में सबसे पहली स्टेप होती है एन एंट्रप्रिनर हैज़ टू बी कीन ऑब्जर्वर ऑफ द सोसाइटी द कमर्शियल ट्रेंड्स द प्रोडक्ट टाइप्स द चेंज डाइनमिक्स एंड द कंज्यूमर ट्रेंड्स तो जो एंट्रप्रेनर है वो ऑब्जर्वर होना चाहिए सोसाइटी का कि क्या कमर्शियल ट्रेंड चल रहे हैं सोसाइटी के अंदर किस प्रोडक्ट का टाइप उसे ले चलना है और समय पे जो कंज्यूमर की जो ट्रेंड है या कंज्यूमर की जो डिमांड है वो किस तरह से चेंज हो रही है उन सब के लिए उसे एक्टिव रहना ज़रूरी होता है तो तभी वो बेहतर इनिशिएटिव ले सकता है कि वंस ही और शी डिसाइड्स टू टेक द इनिशिएटिव व्हाट मैटर्स इज द स्पीड विद विच ही और शी इज़ गोइंग टू फंक्शन ठीक है और जैसे वो इनिशिएटिव ले, ले लेते हैं अब उसके बाद जो मैटर करता है वो किस रफ्तार से आने वाला कार्य को करेंगे ठीक है तो इनिशिएटिव सेकेंड कम्पिटेंसीज है देन द थर्ड इज़ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंपनी का या एंटरप्रनर का कंपनी बोल रहे हैं कि उसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन होना जरूरी होता है कि कम्पिटेंसी इन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर समटाइम्स बेसिक ट्रेट ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल तो जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन में कम्पिटेंसी है वो क्या है बेसिक ट्रेट होता है किसी इंडिविजुअल का व एनी न्यू आइडियाज कि उनके पास कोई नए आइडियाज हो भी नहीं सकते और ही ओ शी मे यूज़ द क्रिएटिव आइडियाज एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसज टू मीट द चैलेंजेस ऑफ अच्एशन टेक एडवांटेज ऑफ द यूटिलिटी ऑफ एन आइडिया और अ प्रोडक्ट टू क्रिएट वेल्थ ठीक है और यह उनके पास कोई नया आइडिया होता है कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विसेज होती है ताकि जो सिचुएशन जो चैलेंज आ रहा है उनके सामने उसे वो फ़ेस कर सके उसका फ़ायदा उठा सके और उससे क्या कर सके फिर कुछ ना कुछ कमाई या वेल्थ जनरेशन कर सकते हैं तो इसका एग्जांपल है जैसे चेंजेस इन द पैकेजिंग ऑफ पोटैटो चिप्स कि मान लीजिए अगर हम पोटैटो चिप्स से पहले दूसरे पैकेट में आते थे अब हमने अलग कर दिया उसके अंदर नाइट्रोजन गैस वग़ैरह फिल होती है तो उसके बेसिस पे एक तरीके से क्रिएटिविटी और इनोवेशन का बेसिस आता है the remaining portion will be discussed in next video